अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड, आज पूरे 20 रोज़े कंप्लीट हो चुके हैं और आज का रोज़ा हमारा काफ़ी अच्छा था और ईद के 10 दिन बचे हैं। और आप लोगों की शॉपिंग हुई या नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड, आज मैं अपने इस वीडियो में मोहम्मद अली रोड दिखाऊँगी और आपको काफ़ी मज़ा आएगा। सो फ्रेंड, आज के वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं करना, फुल वॉच करना और फुल वॉच करने के बाद ही मुझे कमेंट करके बताना कि आज की वीडियो आपको लगी कैसी और अपनी थोड़ी सी शॉपिंग दिखाएंगे। तो देरी ना करते हुए अपने इस छोटे से वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि ये है मोहम्मद अली की मीनारा मस्जिद, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है और रमज़ान के महीने में तो इसे बहुत अच्छा सजाया गया है। और देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। और ये है जमजम स्वीट हाउस। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं और एक से बढ़ के एक वैरायटी है। और यहीं पर उस्मान सुलेमान की भी शॉप है मिठाई की, जो कि आप देख सकते हैं, ये है उस्मान सुलेमान की। फ्रेंड, ये देख सकते हैं कि ये है मेरे सिस्टर का पोता, यानी कि उनके बेटे का बेटा। और इसने रखा है आज रोज़ा और इसने रात को अपना मन बना लिया था रोज़ा रखने के लिए। और इसकी अम्मी ने इससे कहा कि बेटा, तुम्हें भूख लगी है तो खाना खा लो और इससे 2 से 3 बार का पानी पी लो। तो इसने अपनी अम्मी को जवाब दिया, अगर आप बार बार बोलेंगी तो मैं पानी ज़रूर पी लूँगा। तो इस बच्चे की हिम्मत देखिए कि इसने पूरा रोज़ा रखा माशा अल्लाह, और अल्लाह ने इसको रोज़ा रखने की हिम्मत दी। और ये है 7 साल का। सो फ्रेंड, आज मैं अचानक अपनी सिस्टर के पर घर पर गई थी, जहाँ पर बच्चे ने रोज़ा रखा था और हम लोग ने इसके साथ इफ्तार किया। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर जब हम गए। और ये है मोहम्मद अली रोड पर इनका घर और ये लोग वहीं रहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मुझको। सो फ्रेंड, ये है मार्केट और मैं मार्केट गई थी और वहाँ से मैंने कुछ कपड़े ख़रीदे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने इस छोटे से व्लॉग में आपको अपने मार्केट का एरिया दिखाऊं। सो फ्रेंड, आप लोग तो मेरे मार्केट के वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ अपना मार्केट शेयर किया जाए, जहां से हम करते हैं शॉपिंग। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को फुल वॉच करिए। तो मुंबई सिटी व्लॉग है मेरे चैनल का नाम, तो आपको मुंबई दिखाना तो बनता ही है। तो देख सकते हैं सुबह का टाइम है, यानी कि ये हम गए थे कुछ 12 बजे के टाइम पर। और ये जो है वहाँ पर इस तरीके के बेहतरीन खूबसूरत ब्यूटीफुल गाउन, शरारा और प्लाज़ो,
गरारा जो आजकल फैशन में चल रहा है, यही सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। और छोटा मार्केट नहीं है, काफ़ी बड़ा मार्केट है ये। फ्रेंड, रमज़ान का महीना है और बहुत ही बरकतों वाला महीना है। ज़कात वगैरह अगर निकाल रहे हैं तो अपनी फैमिली में जो गरीब हैं उनको दें, और जो बच जाए तो अपने अड़ोस पड़ोस में जो गरीब हैं उन तक पहुँचाएँ। और आने वाले वक्त में अगर कोई मुसीबत आपके पास आती है तो ये दिया हुआ जो अच्छे काम अभी करेंगे आप, ये सारी मुसीबतों से हमें बचाएगी। तो ये काम ज़रूर करें, और अगर बांटते हैं तो ज़रूर बांटें। और मैं उन्हीं से कह रही हूँ जो लोग ज़कात निकालते हैं, ये चीज़ सबके लिए नहीं है। बहुत से लोग ज़कात नहीं भी निकालते हैं, लेकिन जो निकालते हैं उनके लिए ये बातें हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो आपको अल्लाह ताला आपकी रोज़ी में बहुत ही बरकत देगा और आपको हर मुसीबत से बचाएंगे अल्लाह ताला। तो गरीब की हेल्प करें, और अपनी फैमिली में अगर कोई गरीब है तो सबसे पहले वहाँ ये चीज़ पहुँचाएँ, तो बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग अपनी फैमिली में दे रहे हैं ये चीज़ें। तो चलिए देखते हैं मैंने अपने इस छोटे से व्लॉग में और क्या बताया हुआ है। सो फ्रेंड, ये सारे वेडिंग वाले कपड़े हैं, और ईद वगैरह में भी बहुत से लोग पहन लेते हैं, लेकिन हमें तो ईद में ऐसे कपड़े बिल्कुल नहीं पसंद है। हमें तो एकदम सिंपल सादे कपड़े पसंद है, और ये वेडिंग वाले हैं। क्योंकि मेरे वीडियो को आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा अपना एरिया दिखाऊँ, अपनी शॉपिंग दिखाऊँ और सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। सो फ्रेंड, देख सकते हैं कि मैंने बेडशीट यहाँ से ली है, और मैंने बहुत सारी अपने घर के लिए शॉपिंग की है, जो कि मैं एक वीडियो अकेला सिर्फ शॉपिंग का ही बनाऊंगी। और इससे पहले आपको इंशाल्लाह मेरा वो वीडियो मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सारी बेडशीट लगी हुई हैं, और कुछ मैंने यहाँ से ख़रीदी हैं, कुछ दूसरी दुकानों से ख़रीदी हैं। तो मैं हमेशा शॉपिंग करते रहती हूँ अपने घर के लिए, और जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ, जैसे अजमेर वगैरह गई थी तभी भी मैंने वहाँ शॉपिंग की थी। मेरी शॉपिंग पूरा साल चलते रहती है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ ईद में ही ख़रीदें। तो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ से ली हैं, अपने बेड शीट वगैरह, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा आपके साथ ये वीडियो शेयर किया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, यानी कि सब कान वगैरह के एयररिंग्स, नेकलेस, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ईद में बहुत सारे लोग ख़रीदते हैं ये सारी चीज़ें। हम लोग ख़रीदते ज़रूर हैं, लेकिन ये हम लोग पहनते नहीं है। ईद में हम गोल्ड पहनते हैं, और ये सब लड़कियों वाला आइटम है, अपने लायक का तो नहीं है। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मुंबई की जो खूबसूरत ज्वेलरी की शॉप है वो सब शेयर की जाए आपके साथ। तो ईद का ये व्लॉग आपको कैसा लगता है? तो ये एयररिंग्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे और बहुत प्यारे लग रहे थे। तो इस तरीके की न्यू ज्वेलरी मुंबई में नए स्टाइल में, यानी न्यू स्टाइल में मिल जाती है। तो ये सब देख सकते हैं, ये सब बहुत से लोग पहनते हैं, और कुछ हैवी टाइप के हैं और कुछ हल्के एकदम नॉर्मल टाइप के हैं। ये नेकलेस तो गर्मियों के लिए हल्के ही काफ़ी अच्छे होते हैं, और ये देख सकते हैं, मुझे तो ये वाला तो बहुत प्यारा लग रहा था। इस तरीके की ज्वेलरी भी बहुत अच्छी होती है, और ये कभी ख़राब भी नहीं होती है, हमेशा ऐसे ही रहती है।
तो ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मगर मेरे लिए तो ये सब बेकार है, मैं नहीं पहनती हूँ ऐसे बिल्कुल। मैं ज़्यादातर गोल्ड वगैरह के ही पहनती हूँ, लेकिन मुझे पसंद बहुत आते हैं ये सब ज्वेलरी। तो सारे एयररिंग्स लगे हुए हैं, और आप लोग मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर किया करें, और आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें। आपको मैं ऐसे ही न्यू वीडियो, अच्छे अच्छे वीडियो आपके साथ शेयर करते रहूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि सारा मुंबई का एरिया मैंने आपके साथ शेयर किया है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। सो फ्रेंड, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करें, और एक नए फ्रेश वीडियो करें इंतज़ार। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।